नीपा चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बंद किया हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो स्टाफ था वो खाना खा रहा था। फिर चेक करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये सर 10 ml कम है। इस मशीन के अंदर गड़बड़ थी, मशीन को सील कर दिया गया। अभी थोड़ी सी शिकायत थी मगर आज भरोसा हो गया आप लोगों के सामने। ये नहीं बंद पड़ो है, मस्त है, खराब है। खराब हुआ भाई तो इसको पूरा बंद होना चाहिए ना। इससे पहले जब आप यहाँ पे लोगों को दे रहे थे तो जब ये खराब नहीं था क्या? सारा मसला ये खराब नहीं है। आराम खोड़ी 10 में से 9 आदमी चोर। ये दो पंप बहुत मशहूर थे जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स थी। आवाम की तरफ से कुछ ऐसी शिकायत भी आती हैं कि कुछ पेट्रोल मालिकान नाप तोल में कमी यानी पेट्रोल कम दे रहे हैं। इन्हीं शिकायत को देखते हुए टीम सड़क छाप ने फैसला किया कि वेट एंड मेजरमेंट की टीम के साथ जाने के क्या हकीकत है। चलिए, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? तो मेरे मैनेजर साहब हैं आपके जी, उनको भी बुलाइएगा। एक लीटर के हिसाब से नहीं निकाले, 124 रुपये लिख के निकाले। चेक करते हैं ये क्या मामला चल रहे हैं। पेट्रोल कोई और मशीन भी चेक करते हैं यहाँ पर। इस मशीन के अंदर तो सही आ रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ वाली चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे यूज़ ज़्यादा ये भी होती है। अच्छा, ये बंद हुआ हुआ है, ये इसमें क्या मसला है? वो हमारा स्टाफ खाना खा रहा था, इस वजह से इसको क्लोज किया। अच्छा, इसको ऑन करते हैं फिर चेक कर लेते हैं इसी को। ये बंद किया हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो स्टाफ था वो खाना खा रहा था, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं क्योंकि अक्सर ज़रूर इतर देखा भी है, ये भी जाता है। वेट एंड मेजरमेंट वालों की रेड हुई है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो चेक करने के लिए आ रहे हैं तो फौरन तरीके से बंद भी कर दिया जाता है। ऐसा भी देखने के लिए आता है, क्या पता ये भाई सही कह रहे हो, ये भी देख लेते हैं। हमारा शक दूर करने वाली बात है जो आवाम है उसका, ये भी चेक करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये सर 10 ml कम है। फिर 5 ml का फर्क आया सर, थोड़ा बहुत फिर फर्क है इसके अंदर। सर अब क्या खिलाफ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी इनको हम एक वार्निंग दे रहे हैं। ये एक्चुअल में बहुत जैसे गैर इनके कहने के मुताबिक चल नहीं रहा था, ठीक है, जब नहीं चलता एयर आ जाते हैं, एयर की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम जान जाते हैं। अगर नहीं चल रहा था तो आउट ऑफ ऑर्डर लिख के बंद कर देते हैं। इनका जो बयान था वो तो ये था कि वो अंदर जो वर्कर थे वो खाना खाने गए, इसलिए बंद किया हुआ है, वरना ही चल रहा था। तो इनको हम वार्निंग दे रहे हैं, 3 दिन का नोटिस दे रहे हैं, आप इसको बराबर कर लो। अभी नोटिस क्या करके मशीन को सील किया जाएगा? अभी सील किया जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मशीन में कुछ गड़बड़ थी, कुछ मामला थे, और 5-10 ml से हम समझे 10 ml ऐसे कम होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर हज़ारों लोग आ रहे होते हैं, हज़ारों लोगों से अगर 10-10 ml कम किया जाए तो कितना बचाया जाता है, कितना कमाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जब तक ये सील भी किया जाएगा हम आपको ये भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? हाँ भाई, ये है कि हमें भी थोड़ी सी शिकायत थी मगर आज भरोसा हो गया आप लोगों के सामने। इस मशीन के अंदर गड़बड़ थी, मशीन को सील कर दिया गया, नोटिस होगा। अच्छा सरफराज साहब, आप ये सील तो कर दिया गया, अगर आपको देखा जाता है कि फिर ये दोबारा से आपके जाने के बाद ये सील खोल दें या फिर उसके नहीं कर सकते? अच्छा, सील ब्रोकन का अलग सेक्शन है जिसके तहत हम इसको प्रोसीड करेंगे, ये नहीं कर सकते। फिर ये बाद में चेक किया जाता है? यस, ये फिटर को बुलाएगा, हम आएंगे, हमारे सामने ये एक्यूरेट करेगा, एक्यूरेट करने के बाद इसको ओके करके हम फिर अब चलते। हमारे साथ जो आवाम भी मौजूद है इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सर कह रहे हैं पहले पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं जी? मैं यहीं से डलवा दूँ। यहीं से डलवा दूँ? मुतमईन थे यहाँ से डलवाने में? नहीं, मुतमईन तो नहीं था। आजकल किसी भी पेट्रोल डलवाया आप सेटिस्फाई नहीं होते? अच्छा, क्योंकि हर जगह चोर बदारी चल रही है, वैसे ही पेट्रोल की उसी में आदमी मर रहा है, और जब उसमें भी चोरी हो रही है तो फिर आदमी कहाँ जाए? नीपा चौरंगी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नीपा चौरंगी से पहले ये पेट्रोल पम्प पड़ता है और यहाँ पर एक मशीन में गड़बड़ थी जो कि सील कर दी गई है। आगे और कितनी पेट्रोल पंप मालिकान ये गड़बड़ कर रहे हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी बख्शेंगे नहीं, चले। जी नाज़रीन कराम, इस वक्त हम एक और पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। ये पेट्रोल पंप अगर मैं आपको बताऊं इसकी लोकेशन, तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो सराबगोड का एरिया आता है, ये बराबर के अंदर अल मोहसिन इमाम बारगाह मौजूद है। यहाँ पर भी हम देखते हैं क्योंकि यहाँ इस पेट्रोल पंप के खिलाफ भी हमें काफ़ी कंप्लेन मिली थी, यहाँ पर भी देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं। सर टीम हमारे साथ मौजूद है। हल्का फुल्का सा जो है वो फ़र्क आया है, लेकिन हम एक बार फिर चेक करते हैं, तीसरी बार चेक कर रहे हैं। तीसरी बार चेक करने के बाद क्योंकि 5 ml कुछ जो है वो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा था, लेकिन अभी हम दोबारा देखते हैं कि कितना फ़र्क है। मूली सा फर्क तकरीबन आ रहा है, 2-3 ml तकरीबन, 4-3 ml का फ़र्क आ रहा है।
नाजन ग्राम एक बार फिर यहाँ पर चेक करते हैं कि मामला सही है या नहीं। एक लास्ट इनका यूनिट रह गया, हम ये भी चेक कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से इत्मीनान कर लें कि कोई भी मशीन के अंदर हेरा फेरी नहीं की जा रही है। सर वैसे अगर जिस तरीके से तीन चारों मशीनें के अंदर ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रही हैं, मामला भी बिल्कुल ठीक हैं, तो इस चीज़ के ऊपर मैं अप्रिशिएट ही करना चाहूँगा यहाँ के इनके जो मैनेजर हैं। सर गुड है, बहुत अच्छी बात है अगर आप माशाल्लाह इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मालिकान इस चीज़ में चोरी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स तो थी, लेकिन जब हमने रैंडमली आके आपकी सारी मशीनें चेक करी हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। कौन से पम्प है जिस तरीके से कुछ मामला होते हैं? ऑटो पम्प है वो वाला, हाँ, एक वो आयशा मंदिर की तरफ है, वहाँ पे आयशा मंदिर की तरफ। कौन सा आयशा मंदिर से तरफ जाते हैं राइट में? ये मेरे पास अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया पर, मुझे काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी है, और मैं आपको बताऊँ कि ये दो पम्प बहुत मशहूर थे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, एक वाटर पम्प वाला और तायर विला की तरफ जाते हुए लेफ्ट हैंड पे जो अगर पड़ता है, अगर हम तायर विला से आयशा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, उस वक्त हम एक और पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं यहाँ पर सोहागपुर से, जो कि वाटर पम्प का रास्ता है, वहाँ के उससे सबसे पहला पेट्रोल पम्प जो पड़ता है शहर का, उस वक्त इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चेक कर देंगे क्या मामला चल रहे हैं। वाली मशीन थी वहाँ पर ली, वो वाली भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपोजिट साइड चले जाएंगे कि वहाँ पर भी देखते हैं कि मामला क्या चल रहे। ये नहीं बंद पड़ा हुआ है, मस्त में खराब है, नहीं बंद किया हुआ है, तो आप इसको नॉट वर्किंग कर दें। नॉट वर्किंग है वो, खत्म को लगा तो मैं यहाँ पे एक दफा दोबारा चेक करें। अच्छा ये देखो ये खराब हुआ, अगर खराब हुआ है तो इसको पूरा बंद होना चाहिए ना, यहाँ पे उधर निकाले ना, उसमें निकाल लें पहले, इससे एयर निकाल देते फिर उधर बाहर से एयर निकाल देने, एयर वगैरह निकल गई दाव लगो का ना बोट पर आ। अच्छा बाकी सही है, इतने यही खराब रही है, ठीक है एक बार फिर चेक करें इसकी वजह ये। अच्छा इससे पहले जब आप यहाँ पे लोगों को दे रहे थे तो जब ये खराब नहीं था क्या? तब भी तो खराब ही होगा ना, खराब है बाकी सही है। तो सुपर नहीं दे रहे थे आप लोगों को? दोनों सुपर। सबसे पहले हमने एक जब भी हम यहाँ पर एक यूज़ कर रहे थे इस मशीन के ऊपर, तो ये यहाँ पर इससे पहले लाइन लगी हुई थी और बहुत सारे लोग ले भी रहे थे। जब हमने चेक किया वी पावर के अंदर, तो वहाँ पर जो है उन्होंने बोला मशीन ख़राब हो गई है, हैंडल थोड़ा रुक गया है। पहली मरतबा में कितना पेट्रोल निकला, ऐसे ही जब कोई नया बंदा आता होगा उसको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता होगा। अभी हमने इनसे बोला भी है कि अगर जो आपके पास मशीन इस तरीके के मसले हैं उस चीज़ पे सील किया जाए, इनको बंद किया जाए। आप सर इनको बंद करें ना, ये वाले इसके ऊपर आउट ऑफ ऑर्डर लिख के इसको बंद करें, अगर अगर इस तरीके का मामला है सर आप चलाएं बोलें जो बोलना है। बिल्कुल आराम खोर से जान रहा हमारी, हाँ आराम खोर चीजे गड़ गए ना, हमारी जान खोर हो जाएगा सारा मसला। ये एक आराम खोरी, आराम खोरी, आराम खोरी, और कस्टमर से नौ आदमी यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर की एक स्लिप लगा दी है, क्योंकि बोर्ड लगाया है क्योंकि इसके पता चल सके कि ये ख़राब है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर चेक किया और क्या मामलात निकले हमने आपको दिखाया। और भी लोग पागल बन सकते हैं, और भी लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, बन सकते होंगे या फिर क्या मामला थे, लेकिन हमने अपनी इसके अलावा हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वेट बिल्कुल सही आ रहा है। अगर जिस तरीके से उन्होंने दोबारा में चेक कराया तो मामला बिल्कुल सही थे, वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मशीन जरूर बंद करवा सकते हैं अगर कोई मशीन में मसला है, तो वो हमने करवा दिया। आगे हम चलते हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, वाटर पम्प पे जो पेट्रोल पम्प बना हुआ है, इस तरीके से हमें लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कंप्लेन करी और यहाँ पर भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या मामला चलते हैं। लेकिन पेट्रोल पम्प जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स भी हमें मिली थी तायर विला से, जब आप आयशा मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं, और मुझे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा कम आया है। पहला यूनिट चेक किया और जिसके अंदर 10 ml कम आ है इसमें पेट्रोल, आप बोल रहे नहीं है ये भी कम है, तमाम ही इनकी मशीन के अंदर जो है वो गड़बड़ है, ये पूरा स्टाफ खाता है मिले और डेली बेसिस का आपकी सोच होगी भाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5-star चौरंगी की तरफ, 5-10 ml जो कम हो रहा है ये आपको इसका अंदाजा नहीं है, इसके अंदर भी यही मामला है, इसको भी सील किया जाएगा। यहाँ के मैनेजर को हम कॉल करके तो गए, इनके वर्कर्स को भी बोल रहे हैं कि कॉल की जाए, लेकिन मैनेजर साहब नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से उनको पता चल गया होगा यहाँ पर रेट पड़ गई है।